स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, तो आपको इक्वेशन की वैन है 4x स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट आ गया 4, कॉन्स्टेंट टर्म आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करने तो आएंगे 4 का आएगा 2 इंटू में 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको प्लस करके क्या लाना है, माइनस का 4 ए भी लाना है, प्लस करके माइनस का 4 ए एक्स लाना है। ठीक है जी, तो देखो अगर आपने 1 2 इसके साथ लिख लिया और 1 2 इसके साथ लिख लिया, मगर मतलब ये चीज़ 2 ए प्लस बी को अगर आपने प्लस किया 2 ए माइनस बी से तो क्या आएगा, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कराओ 2 ए प्लस का 2 बी प्लस का 2 ए माइनस का 2 बी, तो 2 बी से 2 बी कैंसिल आउट, कितना आ गया 4 ए आ गया। आपको 4 ए तो लेके आना है मगर कैसा लाना है, माइनस का। तो माइनस का लाने के लिए आप इन दोनों के आगे माइनस लगाओगे, माइनस का 2 ए प्लस बी और माइनस का 2 ए माइनस बी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्व करके माइनस का 4 ए आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे माइनस का 4 ए के। तो हम इसमें लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4ax की जगह पे लिखेंगे माइनस का 2 ए प्लस का बी एक्स माइनस का 2 ए माइनस बी एक्स और प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आर 2x को मान लेंगे तो आएगा 2x माइनस का ए प्लस बी। ठीक है जी, और यहाँ से माइनस का देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अगर हम यहाँ से ए माइनस का बी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब 2x माइनस का ए प्लस बी, 2x माइनस का ए प्लस बी यहाँ से कॉमन आएगा, 2x माइनस का ए प्लस बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस का ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक बार 2x माइनस का ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी और x इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी।